मिर्ची डाल, दाने मिर्ची डाल पूरा। क्या दाल में हल मिर्ची इनको डाल, डाल मिर्ची डाल। मार 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 दो 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 दो। क्या बोल 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 हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के पूंछ के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें हिंदुस्तानी फ़ौज ने तशद्दुद से कत्ल किया है। उन्हें मुसल्ला अपोजिशन की तरफ से किए गए एक हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसे पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट ने कबूल किया था, जिसमें भारतीय फ़ौज के 5 फ़ौजी जान से हाथ धो बैठे थे। 37 साला महफूज हुसैन, 26 साला मोहम्मद शौकत और 32 साला शबीर अहमद हैं, जो पूंछ जिला के टूपा मस्तनिद्रा गांव के 3 बाशिंदों को फौज की हिरासत में शहादत के बाद जुमा को एहतिजाजी मुजाहिरों का बाइस बने। टोपा मस्तनिद्रा के इलाके के कम्युनिटी लीडर सरपंच महमूद अहमद ने बताया कि मकतूलीन उन 8 अफराद में शामिल थे जिन्हें फौज ने उनकी रहाइश गाहों से हिरासत में लिया था। मकामी अवाम और मुतवफ़ी के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें फ़ौज ने तशद्दुद से कत्ल किया है। फ़ौज के हाथों मारे जाने वाले 3 बेगुनाहों में सबसे छोटे शौकत के चचा मोहम्मद सिद्दीक ने कहा, फ़ौजी जवानों ने जुमा की सुबह कई शहरियों को घरों से उठाया, इनमें से चंद को फ़ोन करके फ़ौजी कैंप में बुलाया। सिद्दीक, जो इलाके के कम्युनिटी लीडर हैं, ने गवाही दी कि इसने कई मकामी सियासतदानों को फ़ोन किया ताकि बेगुनाह शहरियों को हिरासत से रिहाई में मदद की जा सके। उनको फ़ौज ने मारा पीटा, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। माल पोस्ट के कैंप में फ़ौज ने बेरहमी से कत्ल कर डाला। प्रेस ने फ़ौज से पूछा कि उन शहरियों को क्यों मारा गया। भारतीय फ़ौज का जवाब ये था, वो उनकी गलती की वजह से मारे गए हैं। फौज ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए मीडिया समेत गांव में दाखिला बंद किया हुआ है। मकामी शख्स सिद्दीक ने फौज की बर्बरियत का निशाना बनने वालों के लिए कहा कि वो बेकसूर थे, अस्करी सरगर्मी से दूर तक ताल्लुक नहीं था, उनके खिलाफ पुलिस में मनफी शिकायत तक न थी। महफूज हुसैन के भाई नूर अहमद ने बताया कि इसके भाई को फौज ने घर से हिरासत में लिया और कत्ल कर दिया। जेर हिरासत अफराद के टार्चर की वीडियो में फौज का सिपाही कैदी के कूल्हों पर मिर्च पाउडर छिड़कते नजर आता है। गानद में डाल उसको मिर्ची वीडियो में फौजी कहते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में एक और नौजवान जमीन पर बेहरकत पड़ा है, जबकि एक और शख्स को मिर्च पाउडर छिड़कने से पहले बेबसी से हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता है। फौज किसी को गांव की तरफ जाने नहीं देती, लेकिन इन तीनों के अलावा 5 हब्स बेजा में रखे गए को फौजी हस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसने बताया कि वो तमाम मजदूर थे जो रोजी कमाने के लिए जिदोजहद करते थे। पूरा गांव जानता है इनका किसी गैरकानूनी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट ने कबूल की थी। पहली बार 20 अप्रैल पूंछ, 5 मई राजवरी और साल 5 अगस्त को कोलगाम में मुसल्ला मुजाहमती सरगर्मियों में मंजर आम पर आई, लेकिन भारतीय फौज अभी तक इसकी तारीख और तंजीम के बारे में कियास आराइयां करती नजर आती है। भारत के लिए ताज्जुब ये कि अवाम की मुसल्ला मजामत का थिएटर वादी से पीर पंजाल के इलाके में मुंतकिल हो चुका है, जहां इस साल मजामतकारों के 24 अरकान ने अपनी जानें कुर्बान की, जबकि भारतीय फौज के 21 अरकान। हिंदुस्तानी फौज की एक तवील तारीख है बेगुनाहों को कत्ल करके फिर उन्हें मुसल्ला अपोजिशन के अरकान करार देकर लड़ाई में मारे जाने का ढोंग रचाना। जम्मू के राजौरी जिला से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूर की मौत को जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के उमशीपुरा गांव में फौज की तरफ से 2020 में मुसल्ला मजामतकारों से लड़ाई में मारे गए करार दिया था, जिनका कत्ल मुबैना तौर पर नकद इनाम और फौरी तरक्की के लिए झूठी कहानी घड़ी गई थी। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि एक आर्मी कैप्टन जिसकी शनाख्त भूपेंद्र सिंह उर्फ मेजर बशीर खान के तौर पर की गई थी ने चौगाम शोपिया में उनके किराए की रहायशगाह से 3 नौजवानों को एक प्राइवेट कार में अगवा किया था, उन्हें कत्ल किया था और बाद में उनकी लाशों पर गैर कानूनी हथियार और मवाद नस्ब किया था। उन्हें सख्त गिर मुसल्ला अपोजिशन के अरकान के तौर पर टैग करने की कोशिश की। बात यह है कि ये वीडियो क्लिप्स अवाम के हाथ में कैसे आए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, क्या ये सीटी बजाने वाला था या खुद भारतीय फौज ने? इम्कान ये है कि आबादी को खौफजदा करने के लिए जानबूझकर वीडियो क्लिप्स को अवाम के सामने आने की इजाज़त दी गई है। आबादियों को दहशतजदा करने के लिए जानबूझकर पुरतशद्दुद तस्वीरों और तशद्दुद के वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल एक अफसोसनाक हरबा है जो मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, बशमूल इंतहा पसंद गिरोह, मुजरमाना तंजीमें और यहाँ तक के बाज़ औक़ात रियासती अदाकार भी आवाम को खौफज़दा करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बर्बरियत का मुशाहिदा करना गहरे खौफ और इज़्तिराब को जन्म देता है जो लोगों को कंट्रोल और हीरा फेरी के लिए ज्यादा हसास बनाता है। उसका मकसद इख्तिलाफ राय को खामोश करना और मुखालफत को कुचलना है। इन वीडियो क्लिप्स को प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि मांग करने वालों को खौफज़दा करना, इस तरह के मवाद को फैलाना कम्युनिटीज के अंदर इख्तिलाफ और बदएतिमादी का बीज बोता है, समाजी टूट फूट को हुआ देता है और पुरअमन हल की कोशिश में रुकावट बनता है। नौआबादियाती गिरफ्त को मकामी आबादी को दबाने के लिए ऐसी वहशियाना तस्वीर कशी की जरूरत रहती है। लुगत ने इस किस्म के तशद्दुद के लिए मखसूस इस्तिलाहात मुख्तस की हैं, दहशतगर्द या दहशतगर्दी, वो तशद्दुद जिसके जरिए कोई दूसरे को दहशतजदा करे। कातिल या सीरियल कलर को दहशतगर्द नहीं कहा जाता क्योंकि इसका मकसद कत्ल करना था, दहशतजदा नहीं। भारत गुज़िश्ता 75 सालों से जम्मू व कश्मीर के अवाम की जमहूरी उमंगों को पूरा करने में नाकाम रहा। इल्हाक का आर्जी मुआहिदा आगे बढ़ने, रियासत की जबरी तकसीम को ख़त्म करने और हतमी तस्फिया के लिए लोगों को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने की इजाज़त देने की बुनियाद था। हक खुद इरादियत जदीद जमहूरी निज़ाम का बुनियादी सुतून है। मैं आज़ाद लंदन के मुतालबे के लिए सियासी जमात बनाकर इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, मुझे आ मेरी पार्टी को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे आ मेरी पार्टी को ना कोई गद्दार कह सकता, ना सलाखों के पीछे डाल सकता। इसीलिए जमहूरी कल्चर हर किस्म के सियासी तशद्दुद, जंगों, हलाकतों और तबाही का मुतबादिल है। जम्मू कश्मीर में सियासी तशद्दुद के नतीजे में जिस किसी की भी जान जाती है वो सिक्योरिटी के अफराद हों, आम आवाम, आके मुसल्ला मजामतकार, सब की जिम्मेदार नई दिल्ली के हुक्मरानों पर है जो सियासी मसाइल को सियासी नज़र से देखने के बजाय लाठी, अजियत, जेल, फांसी, गोली, तशद्दुद और फौजी जबर की ऐनक से देखने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अवाम को अपने प्यारों के खून का हिसाब अपने नई दिल्ली में बैठे हुक्मरानों से मांगना होगा। पूंछ से जो खबर आ रही है सिविलियन किलिंग्स